जयपुर थाना क्षेत्र के चिड़ैया मोड़ के समय बालकोरा जंगल के पास गत 23 जनवरी को प्राइवेट फाइनेंस कंपनी उत्कर्ष बैंक के 2 कर्मी से हुए लूट के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियान में SDPO बेलहर, प्रेमचंद सिंह, थानाध्यक्ष मुरलीधर सिंह, अनि विशाल कुमार सदबल शामिल थे। गिरफ्तार अपराधी झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत सरेहाट थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव का लीलू दास बताया गया। इस संबंध में बुधवार को कटोरिया थाना में इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही 29,860 रुपये लूट हुई थी। एक बाइक, 2 मोबाइल, एक टैब एवं एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर बरामद किया गया। बता दें कि घटना में शामिल एक अपराधी जयपुर थाना क्षेत्र के मुरली के निवासी डबरू हंसदा को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 अन्य अपराधी देवगढ़ जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़वाकुरा गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव, कटोरिया थाना क्षेत्र के धरहा गांव निवासी कमल तांती एवं विष्णु यादव फरार है। वहीं जबकि बुढ़वाकुर गांव का ही लक्ष्मण राय दुमका जिले में बंद है। फिलहाल पुलिस घटना में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाका कटोरिया से मनीष सिंह की रिपोर्ट। फिनांस कर्मी लूटकांड में क्या क्या उपलब्धि मिली है? देखिए कि ये जयपुर में 23/1/23 को घटना घटी थी लूटकांड। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मी द्वारा 2 मोबाइल, 2 बाइक और 29,870 रुपया लूट की गई थी। जरा इसमें 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 2 अपराधकर्मियों को तक गिरफ्तार किया गया। इस लूटकांड में कितने के आ रहे हैं नाम, इसके बाद अभी और अनुसंधान जारी है, आगे जैसा होगा।